शिकागन है जा तेरे घर के लागली कहीं थी संस्कार दिए आज मैं खड़ी हो जाऊं होकर चुम्मा जाटी आ जा हैं अब कैसे खड़ी कंट्रोल में एक घंटी में क्योंकि सबको समझ आ गया कि आपकी लैंग्वेज और आप कैसे हां हां मेरे लैंड भेज रहे मेरा हाथ फिर भेज भी देखियो फिर तेरे मुंह को ना बेटा ना ले जात मेरा हाथ मेरी तो लौंडी के साथ घूम रहा है हताली घट जा तड़के मार्क वालन वा हाथ मेरी एक लौंडी के साथ घूम रहा था 18 प्लस हो चुके हैं क्या है ऐसी थपेड़ी घर ना पिटेगी काई पे अरे मुझे न कह रही ऐसा यू लौंडा पाखंडी फूटी लौंडिया लगा रखे गए कोई ऐसी लग रही जैसे छोरा की लौंडिया हो यू सब काम अपने घर पे अपने टाइम पे अदबता ओले तो सब अच्छा लगा है सब जाना दुनिया का चेयर कहाँ कर रही है पर टाइम देख लो हेलो हाँ बैठा था हर की होएगी बैठा था अरे चुप हो जाओ छोड़ो छोड़ दे छोड़ो छोड़ो छोड़ने वाली बात तो है ही पकड़ी को हरा की छुटकी जब ये तो हो रहा ही हमारा घर की नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है मेट्रो की। उसमें जो लड़की है वो मैं हूँ और आपके इस बिहेवियर की वजह से मुझे सोशल मीडिया पे ये वीडियो बना के डालनी पड़ रही है क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस तरीके से आपने मुझे उछाल दिया। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लड़की होने की वजह से आप सबने ये मेरे साथ किया है और शायद आपको ये लगता है कि अगर लड़की है तो उसे आप जितना गंदा बोल सकते हो बोलो, जितना गिरा सकते हो गिराओ, जितना घटिया उसके बारे में लिख सकते हो लिखो और उसे गिरा दो। पीछे का मत देखना कि कौन क्या करता है, कौन कहां से है, कौन क्या कर रहा होगा अपने फ्यूचर के लिए, कौन किस फील्ड से होगा, आपको कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने मजे के लिए और मुझे तो तुम लोगों के मैसेजेस से, तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे शेयर्स से ये दूर दूर तक भी नहीं लगा कि तुम संस्कृति बचाना चाहते हो या तुम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो या तुम अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, अगर तुम ये कर रहे होते तो तुम, मैं भी एक लड़की हूं ना, चलो ठीक है मान लिया वहां पे मैं एक लड़के के साथ थी, लड़का लड़की बराबर बोलते हो ना, मैंने चलो मान लिया मैंने उसका हाथ भी पकड़ रखा हो, ठीक है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती ना मैं पब्लिक प्लेस पे। अगर करती तो और भी लोग मेरे से बोलते, नहीं बोला ना किसी ने, नहीं है ना प्रूफ। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, संस्कृति बचाई आपके स्टाइल से। तो इस तरीके से संस्कृति अगर तुम्हें बचानी आती है ना तो जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम मेरे को शेयर कर रहे हो, जो तुम मेरा कमेंट डाल रहे हो, वो एक बार अपनी सिस्टर से, अपनी मदर को दिखा के पूछना कि इस लड़की की ये वीडियो है, इसमें ऐसा हो रहा है और हम इसको इस तरीके से वायरल कर रहे हैं, इस तरीके से पॉपुलर कर रहे हैं, ठीक है, तब समझ आएगा कि तुमने किया क्या है। और तुम्हें मुद्दा चाहिए ना, तुमने सिर्फ, तुम लोगों ने सिर्फ ये इसलिए किया है ना कि तुम्हें मसाला चाहिए था, अपने सोशल मीडिया पे ट्रोल चाहिए थे, है ना, ये मेम्स चाहिए थे, मजाक बनाने के लिए चीजें चाहिए थे। ओहो आंटी जी को देखो, आंटी जी लड़की को देखो कितनी बदतमीज है, ये और बोल रही है कि मैं तो 18 साल की हूं, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है भैया, भाई साहब, बहने, माताओं, सबको जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, कि मेरे अलावा भैया पूरा हिंदुस्तान गंगा से, गंगा जल से धुला हुआ है ना। और एक लड़की ने भैया नाम खराब, नाम डुबो के बर्बाद करके रख दिया है। अब उसकी ऐसी तैसी मार लो, तुम जैसे मार सको, जहां जहां जो कर सको उसके साथ कर दो, हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि वो था क्या।